केड़ी रजिस्ट्री तेरे कोल कि इस हिंदुस्तान दे विच मुसलमान नहीं रह सकते जां सिखां दे गुरुद्वारे नहीं रह सकते। ये गल सुभाविक नहीं, गलती दे नाल नहीं, ये जान बुझ के आखी हुई गल है। असलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, कि हाल चाल? उम्मीद करना सारे वधिया होवोगे, चढ़दी कला च होवोगे। अज गल करांगे ज्ञानी गुरप्रीत सिंह ने बीजेपी सरकार नूं मैसेज दिता है। बीजेपी सरकार दे एक बंदे दे वल्लों यह गल कीती गई है कि असीं मस्जिदां ते गुरुद्वारियां नूं डगावांगे ते मजीद मस्जिदां ते गुरुद्वारे इंडिया च नहीं बणन देवांगे। असीं एक हिंदू राष्ट्र नूं बनाना चाहते हैं ते इहदे विच सिखां वास्ते ते मुसलमानां वास्ते ते दूसरे मजहबां वास्ते कोई भी जगह नहीं। ते ज्ञानी गुरप्रीत सिंह जी ने यह मैसेज दिता है बीजेपी सरकार नूं। बीजेपी सरकार ਵੱਲੋਂ की गल की गई है मस्जिदां ते गुरुद्वारियां वालों, तो ज्ञानी गुरप्रीत सिंह जी ने उन्होंने की रिप्लाई दिता है, सारी डिटेल जाणांगे अज दी वीडियो च। वीडियो नूं स्टार्ट करने 3, 2, 1 स्टार्ट। कुछ दिन पहलां दी गल है, भाजपा दे एक बंदे ने बयान दिता है कि हिंदुस्तान दे विच बने हुए गुरुद्वारे, बणियां होईयां मस्जिदां ते नवें बण रहे मस्जिदां ते गुरुद्वारे ये साडे वास्ते खतरा ने, नसूर बन के सामने आउणगे। तो पिछे बैठे जिन्नी भी वड्डी लीडरशिप सी, वड्डा वड्डा जिन्हां दा अहुदा है, इत्थों तक कि यूपी का मुख्यमंत्री जोगी उस समेत सारियां दे ताड़ियां मार के हौसला अफजाई कर रहा सी कि बड़ी सोहनी गल ते तगड़ी गल आखी है। ये जिहड़े बयान ने इन्हां दे की अर्थ निकलदे ने? ये तुहाडे वास्ते किहड़ियां गल्लां जिहड़ियां तुसीं विचारनियां ने? ये किहड़ी रजिस्ट्री तेरे कोल है कि इस हिंदुस्तान दे विच मुसलमान नहीं रह सकते जां सिखां दे गुरुद्वारे नहीं रह सकते। ये गल सुभाविक नहीं, गलती दे नाल नहीं, ये जान बुझ के आखी हुई गल है। ये गल्लां ये जान बुझ के कईयां होईयां गल्लां ने। ये हिरदे विच जिहड़ी जहर भरी पई है, मन दे विच उह सुभाविक ही मूँह दे उत्ते आ जांदी है। खालसा पंथ दसवें पातशाह ने जुल्म नूं नाश करन वास्ते साजिया है। जिहड़ी गल बंदे आखदे ने भी गुरुद्वारे ते मस्जिदां ढाउणियां ने, अंदर सिखी दे प्रति इन्ना जज्बा ते इन्ना बरूद है भी इन्हां नूं तीली लाउण दी लोड़ है। तेरे वर्गे लभणे नहीं, जे तेरे विच हिम्मत है ते आण के किसे गुरुद्वारे जां मस्जिद दी इक इट भी उखेड़ के दस। हंकारियां दा हंकार चकना चूर करन वाले दा नाम खालसा है, आकड़ खोरां दी आकड़ भंनण वाले दा नाम खालसा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जदों ये गल बंदे ने आखी है कि हिंदुस्तान दे विच बने हुए गुरुद्वारे ते मस्जिदां साडे वास्ते नसूर ने, ये गल कहण तो बाद अगले दिन ही उन्हें माफ़ी मंग लई है। तो माफ़ी मंगण दा एक ढोंग कीता है, पखंड कीता है, जिहदे विच ओह कह रहा सी भी ये गल मेरे कोलों सुभाविक गलती नाल निकल गई है, मैं ते कल्लियां मस्जिदां आखड़ियां सन, गुरुद्वारे मेरे मूँह दे विचों शब्द जिहड़ा है ये गलती ना निकल गया है। इनू पुछे कन खिच के इहदे कि तेरे मूँह दे विचों मंदिर शब्द क्यों ना गलती ना निकल गया, तेरे मूँह दे विचों ठाकर द्वारे क्यों ना निकल गया, तेरे मूँह दे विचों हिंदू भाईचारे वास्ते ये शब्द क्यों ना निकल गए, मुसलमान शब्द इहदे नाल तैनूं तकलीफ क्यों है, सिखां दे गुरुद्वारियां दे नाल तैनूं तकलीफ क्यों है? और रब दे बनाए नहीं, ये किहड़ी रजिस्ट्री तेरे कोल है कि इस हिंदुस्तान दे विच मुसलमान नहीं रह सकते जां सिखां दे गुरुद्वारे नहीं रह सकते। ये गल सुभाविक नहीं, गलती दे नाल नहीं, ये जान बुझ के आखी हुई गल है। जिहदे अर्थ ये निकलदे ने भी अगला बंदा अपनी गल भी कह गया है, अपने नाल दी दुष्ट मंडली नूं अपना संकेत भी दे गया है, तुहानूं चेतावनी भी दे गया दूजे धर्मां वालियां नूं, ते नाले माफ़ी मंग के ढोंग भी कर गया। तो जिहड़ी मशहूरी उन्होंने चाहिए सी वो मशहूरी भी इन्हें लै लई है, मीडिया ने काफ़ी कवर किया इस गल नूं। ते बाद विच माफ़ियां मंगण दा जिहड़ा ढंग है ये बड़ा सोहना लोकां ने अपनाया है कि पहिलां किसी धर्म के बारे जो मूँह दे विच आउंदा है बोल लो, तो मगरों तणी माफ़ी मंग लो, किहड़ा किसी ने कुछ कह देना है। नसूर शब्द वरतिया ने, नसूर शब्द का की अर्थ है? डिक्शनरी खोलोगे तो उहदे विच अर्थ ने भी वह जख्म शरीर का जिहड़ा तुहानूं लगातार दर्द दिंदा है, शरीर नूं ते कदे राजी नहीं हुंदा, ठीक नहीं हुंदा, जिहदे विचों लगातार पस निकलदी है, रेशा निकलदा है, वह सिमिया रहिंदा है। वह जख्म ना ठीक हुंदा है तो शरीर नूं बहुत ज़्यादा तकलीफ दिंदा है। ये शब्द इन्हें बाकी धर्मां वालियां नूं वरतिया है भी ये बाकी दे धर्म है साडे हिंदुस्तान वास्ते उस जख्म दे वांग ने जिहड़े कदे ठीक नहीं हुंदे ते सानूं कष्ट दिंदे ने, साडे वास्ते दुखी होण दा कारण ने। ये गल्लां ये जाण बुझ के कहीआं होईआं गल्लां ने। ये हिरदे विच जिहड़ी जहर भरी पई है मन दे विच, उह सुभाविक ही मूँह दे उत्ते आ जांदी है। गुरबाणी ने इस गल नूं मोहर ला के गल आखी है भी जिस कपटी बंदे दे हिरदे विच कपट होवे, जिस झूठे बंदे दे मन दे विच झूठ होवे, उह झूठ ते कपट ते जहर मूँह दे विचों निकल के सामने एक दिन दुनिया दे जाहर हो ही जांदी है, भावें किन्ने भी परदे पाउंदा रहे। गुरबाणी दा पावन फरमान है, जो जीए होए सो उगवै मोह का कहया वाऊ। जो जी दे विच होवे, चित विच होवे, वो मूँह दे राहीं प्रगट हो ही जाता है, जिमें इस बंदे का हो गया है। तो यह मत सोचना भी ये बंदा कला है। ताड़ियाँ मारन वाले एक एक शब्द नूं सुन रहे सन ते सुन तो बाद उन्होंने हलाशारी देने के संकेत इहो ही ने कि बाकी धर्मां वाले सचेत रहन, तगड़े रहन। तो रही गल इस बंदे की, जदों किते स्टेज दे उत्ते किसी लीडर ने बोलना हुंदा है तो बकायदा सारा कुछ पहलां लिखिया हुंदा है ते उन्होंने कई बारी दोहराया हुंदा है, फिर जाके स्टेज दे उत्ते भाषण दिंदे ने। ते भाषण किसी विशेष व्यक्ति ते सलाहकार वालों भी लिखे जाते हैं। उहदे विच ये शब्द मंदिर क्यों ना निकल गया दे मूँह दे विचों, जिथे ने गुरुद्वारे ते मस्जिदां दा नाम लिया है। फिर माफ़ी मंगदा आखदा है कि मैं सिखां कोलों माफ़ी मंगदा, मैं गुरुद्वारियां नूं नहीं आखिया। ते की गल बाकी ये देश किसी होर धर्म का नहीं, इस्लाम वाले इत्थे क्यों नहीं रह सकते? ये सारी धरती सारे धर्मां दी धरती है, सारे धर्म के लोगों का साझा धर्म की धरती है। सारे जानवर, पशु, पंछी, हरेक नस्ल का इंसान रब की बनाई हुई सृष्टि के रह सकता है। तेरे को इस देश की रजिस्ट्री नहीं। वैसे हिंदू भाईचारे को चाहिए भी इहो जे लोग जिहड़े धर्मां के नां के उत्ते राजनीति खेडदे ने, एक दूजे का लहू डोल के राजनीति करते हैं, कुर्सियां भोगते हैं, माणदे ने, उन्होंने नंगिया करना चाहिए है। ये हिंदू भाईचारे के जोड़े सूझवान लोग ने, उन्होंने चाहिए है भी इन्हों नत्थ पाई जाए। दूसरी गल, खालसा पंथ दसवें पातशाह ने जुल्म नूं नाश करन वास्ते साजिया है। जिहड़ी गल ये बंदे आखदे ने भी गुरुद्वारे ते मस्जिदां ढाउणियां ने, अज साडे जथेदारां दी पता नहीं की मजबूरियां ने ते की उन्हां दे इहो जे रजेवें ने, पिओ चाहद्या होया भी इहो जे बयान नहीं दे सकते भी जे प्यो का पुत है तो आ के पंजाब की एक इट भी खिट के दस किसी गुरुद्वारे तो मस्जिद की, क्योंकि वह देणगे नहीं। ये बयान सिर्फ इन्ना कह सकते हैं भी ये गल बड़ी चिंताजनक है तो इन्होंने माफ़ी मंग लेनी चाहिए है। पर दास दे समेत सारा सिख पंथ है, मैं उन्होंने सिंघां नूं मिलिया जां उन्होंने सिंघां दे विच विचरीदा है जां वेखीदा उन्होंने लोगों नूं जिहड़े खालसे पंथ का बड़ा नेड़ला रिश्ता है तो दूर दे रिश्ते ने, भावें उस सिखी दे नेड़े ने तो भावें दूर ने। अंदर सिखी दे प्रति इन्ना जज्बा तो इन्ना बरूद है कि इन्हों तीली लाउण दी लोड़ है। तेरे वर्गे लभणे नहीं, जे तेरे विच हिम्मत है तो आण के किसी गुरुद्वारे जां मस्जिद की एक इट भी उखेड़ के दस, फिर तेनों दसांगे भी किस भाव विकदी है तो ये बयान देने किन्ने सौखे ने तो ये काम करने किन्ने औखे ने। ये खालसा सिर्फ किसी एक धर्म का नहीं, सिर्फ अपने मतलब लई नहीं साजिया। किसी वेले तुहाडे तिलक ते जंजू खतरे दे विच सन ते खालसे ने कुर्बानियां दे के तुहाडे तिलक, तुहाडे जनेऊ, तुहाडीआं बोधियां ते तुहाडीआं धोतियां बचाईआं ने। जे कल नूं कोई किसी धर्म के उत्ते होर धर्म वाला अत्याचार करता है, जुल्म करता है, जे मुसलमानों के उत्ते अत्याचार होंदा ते खालसा उन्हां दे नाल भी खड़ेगा। जे मुसलमानां ने हिंदुआं ते अत्याचार कीते ने ते खालसे ने हिंदू दी राखी कीती है। जे कल नूं कोई होर धर्म वाला मुसलमानां नूं किसी छोटे नूं वड्डा दबाउंदा है ते छोटे दे नाल खड़ना इह खालसे दा असूल है ते खालसे दी तसीर है खून दे विच, जिहड़ी दसवें पातशाह ने खंडे बाटे नाल घोल के खालसे दे विच पाई है। किसी वेले श्री अकाल तख्त साहिब नूं ढाउण वालियां दा की हाल होया है वह भी तुहानूं जाण लेना चाहिए है। ये गल मत भुल्लो भी खालसा निरभाव ते निरवैर है, ते जे निरवैर हो के सारियां नूं गलावे विच लैंदा है अपने कलावे विच लै के सारियां नूं बिना किसी भेदभाव तो लंगर दे विच बिठाउंदा है, मान सत्कार दिंदा है, सारियां दे नाल प्यार दे रहण दा हामी है। ते जे किसी ने नफरत की भावना दे नाल आन के चढ़ाई कीती है तो उहदा इतिहास हुण तो नहीं, जदों तो दुनिया बनी है खालसा पंथ साजिया महाराज ने उस दिन तक लैके हुण दिन दे तक तुहाडे वर्गे कई आए ने ते खालसे की तेग का मुकाबला नहीं कर सके। इतिहास अज की वीडियो ज्ञानी गुरप्रीत सिंह ने बयान किया कि किस तरह बीजेपी सरकार जी है इंडिया के हिंदू राज बनाना चाहती है। सिखा के गुरुद्वारे ते मस्जिदों के खिलाफ उन्होंने बयान दिता तो बाद माफ़ी मांग ली है कि असी गुरुद्वारे का नाम नहीं लिया, असी सिर्फ मुसलमानों का नाम लिया। तो ज्ञानी गुरप्रीत सिंह ने जी ने सवाल पूछा कि तुहाडे कोल किहड़ी रजिस्ट्री है कि मुसलमान इत्थे नहीं रह सकते, सिख इत्थे नहीं रह सकते। तो दूसरी गल, तुहाडे मूँह चों हिंदुओं का नाम क्यों नहीं निकलिया, तुहाडे मूँह चों मंदरां का नाम क्यों नहीं निकलिया, गुरुद्वारे ते मस्जिदां दा नां ही तुहाडे मूँह चों क्यों निकलिया। ते आह गल बच्चा बच्चा जानदा है कि बीजेपी सरकार जिहड़ी है RRS तनजीम दे नाल एफिलिएटिड है ते नरेंद्र मोदी RRS दे मैंबर ने। तो वह चाहते ने इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू राज नूं कायम किया जाए तो मुसलमानां ते सिखां नूं इत्थों खत्म किया जाए। लेकिन ज्ञानी गुरप्रीत सिंह जी ने कहा कि खालसा पंथ नाल जिन्हें भी अज तक पंगा लिया उहदा हाल बहुत ज़्यादा बुरा होया। तुहाडे च अगर हिम्मत है तो तुसी किसी मस्जिद की एक इट पुट के विखाओ या किसी गुरुद्वारे की इट तुसी पुट के विखाओ। हिंदू जिहड़े ने बहुत ज़्यादा डरपोक हुंदे ने। यह स्टेटमेंट जिहड़ा जान बुझ के दिता गया। तकरीर कोई भी मंत्री तकरीर जाके करदा है, पहलों उहनूं लिखदा है, उहनूं याद करदा है। तो यह स्टेटमेंट जान बुझ के दिता गया तो चैक किया गया कि मुसलमान तो सिख है तो की रिएक्शन करते हैं। तो जिदन मुसलमानों का तो सिखा का रिएक्शन वीक उदन उन्हों के खिलाफ एक्शन शुरू हो जाएगा, तो मस्जिदों के मंदिरों के खिलाफ एक्शन शुरू हो जाएगा। तो ज्ञानी गुरप्रीत सिंह ने बहुत सीधा उन्होंने मैसेज दिता कि किसी माई दे लाल हिम्मत नहीं है कि गुरुद्वारे नूं हथ ला जाए या मुसलमानों नूं हथ ला जाए, मस्जिदों नूं हथ ला जाए। अगर किसी ने यह करन दी सोची तो वह हाल बहुत बुरा होएगा। उन्होंने दस्या कि किस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी ने कश्मीर दे विच जदों हिंदू पंडितां ते जुलम होया सी, उन्हां नूं कतलेआम होया सी, खालसा पंथ ने उन्हां नूं भी बचाया सी, हिंदुआं नूं भी बचाया सी। ते जदों मुसलमानां ते जुलम होया उन्हां ने मुसलमानां दा भी साथ दिता। ते अगर हुण भी कोई मुसलमानां ते या सिखां ते अटैक करेगा तो खालसा मुंह तोड़ जवाब देगा। उसी की सोचते हो वीडियो के बारे। वीडियो चंगी लगी लाइक करो। मिलने हैं नेक्स्ट वीडियोज। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।